एलिमिनेशन जीतने वाली गुजरात टाइटंस को एक बड़ा झटका लग चुका है, जहां पर उनके युवा सलामी बल्लेबाज ने टीम का साथ छोड़ दिया है। किस खिलाड़ी ने छोड़ा है गुजरात टाइटंस का साथ, वो आपको बताएंगे इस वीडियो में। अंत तक बने रहिएगा हमारे इस वीडियो में। क्रिकेट इन इंडिया के चैनल पे हैं आप, मैं हूं आपके साथ लक्षित। हम सभी ने देखा कितने बेहतरीन तौर तरीके से गुजरात टाइटंस ने इस आईपीएल को खेला। पहले उन्होंने पॉइंट्स टेबल जीता और उसके बाद क्वालिफायर्स में आके फाइनल तक का खिताब अपने नाम किया था हार्दिक पांड्या की कप्तानी में, जहां इस टीम के अंदर सितारों से लेंस लाइनअप था। ओपनिंग में शुभमन गिल थे, मिडल ऑर्डर में आपके पास राहुल त्रिवेदिया, डेविड मिलर, राशिद खान जैसे बेहतरीन बल्लेबाज थे, और कप्तानी के तौर पे आपके पास हार्दिक पांड्या थे, तेज गेंदबाजी में आपके पास मोहम्मद शामी थे। लेकिन इस स्टार स्टूडेंट लाइनअप में से अब एक नाम गायब होने वाला है, जहां पे आपको बता दिया जाए शुभमन गिल ने छोड़ दी है गुजरात टाइटंस की टीम। इस बात का खुलासा आज खुद गुजरात टाइटंस ने किया, जहां पे उन्होंने शुभमन गिल के लिए एक फेयरवेल ट्वीट करते हुए शुभमन गिल को उनके आने वाले एंडेवर्स के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं दी हैं। ये ट्वीट इस समय आप मेरे पीछे जरूर देख सकते हैं। ये बात काफी गौरतलब है कि शुभमन गिल का एक काफी बेहतरीन सीजन गया था इस साल गुजरात टाइटंस के साथ, जहां पे उनके बल्ले से 4 अर्धशतक आए थे। उन्होंने पंजाब किंग्स के सामने 96 रन की एक मैच विनिंग पारी भी खेली थी, लेकिन उसके पश्चात हम सभी देख रहे हैं कि शुभमन गिल और गुजरात टाइटंस का सफर केवल मात्र एक सीजन का था। कुल मिलाकर शुभमन गिल ने गुजरात टाइटंस के लिए खेले हैं 16 मुकाबले, जहां उन्होंने 483 रन अपने बल्ले से बनाए हैं, और उसके अंदर सबसे उम्दा नॉक थी जो आई थी 46 रनों की नाबाद राजस्थान रॉयल्स के सामने उस बड़े फिनाले में। ये बात है जरूर अब यहाँ पर कि भारतीय क्रिकेट टीम के उज्जवल भविष्य कहलाए जाने वाले, भारतीय क्रिकेट टीम के फ्यूचर ओपनर कहलाए जाने वाले शुभमन गिल ने जहाँ यहाँ से गुजरात टाइटंस के साथ अपना साथ छोड़ दिया है, तो अब यहाँ से किस टीम में शामिल होने वाले हैं शुभमन गिल, या फिर शुभमन गिल एक बार फिर से ऑक्शन टेबल पर जाएंगे, उसके ऊपर रहेगी हम सभी की कड़ी नजरें। तब तक आप लोग लाइक कर दीजिए इस वीडियो को, कमेंट सेक्शन में बताइए शुभमन गिल को गुजरात टाइटंस के बाद अब कौन सी टीम में जाना चाहिए, और साथ ही में सब्सक्राइब कर दीजिए हमें यूट्यूब पे, फॉलो कर लीजिए फेसबुक पे, जानने के लिए क्रिकेट से जुड़ा हर एक लेटेस्ट अपडेट, वो भी सबसे पहले।